हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीच बैक वन। और दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई बाइक की रिव्यू, जो कि है बजाज की तरफ से डोमिनर 250 BS6 मॉडल। और दोस्तों, आज मैं इस बाइक के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इसमें कंपनी ने क्या क्या नया फीचर दिया है, क्या क्या अपडेट किया है, और इसका प्राइस कितना है, माइलेज कितना देती है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बता देने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ऐसे ही बाइक रिलेटेड, स्कूटर रिलेटेड आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो हमारे चैनल रीच बाइक वन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड, स्कूटर रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप लोग देख ही पा रहे, इसका जो कलर है आप लोगों को ब्लैक और व्हाइट की कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। और दिखने में ये जो बाइक है बहुत ही मस्कुलर लुक में दिया है कंपनी ने। और बात करेंगे इसकी इंजन की, तो इसमें आप लोगों को 248.77 सीसी का आप लोगों को इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOSC 4-valve लिक्विड कूल ट्विन स्पार्क फ्यूल इंजेक्शन, यहां पर आप लोगों को इंजन मिल जाएगा। और मैक्स पावर आप लोगों को 27 PS का मैक्स पावर मिल जाएगा 8500 RPM पर। मैक्स टॉर्क आप लोगों को 23.5 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 6500 RPM पर है। और ये जो बाइक है आप लोगों को 6-speed गियर के साथ ये जो बाइक है आप लोगों को मिल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी एक फीचर है 6-speed गियर। और बात करेंगे इसकी हेडलाइट की, तो हेडलाइट आप लोगों को LED में मिल जाएगा। ऊपर आप लोगों को एक ब्लैक कलर की वाइजर मिल जाएगी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका फ्रंट के जो सस्पेंशन है, फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और फ्रंट डिस्क आप लोगों को 300 mm का यहाँ पर आप लोगों को डिस्क मिल जाएगा। यह जो बाइक है डुअल चैनल ABS के साथ आता है, और ABS एक बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम होता है दोस्तों। ABS रहने से आप लोगों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें तो इसमें आप लोगों को 180/17 यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में टायर की साइज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और रियर डिस्क की बात करें तो रियर में आप लोगों को 230 mm का यहाँ पर आप लोगों को डिस्क मिल जाएगा ABS के साथ। यहाँ पर आप लोगों को दोनों में ABS दिखने को मिल जाएगा। और इसकी रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रोक्स यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन मिल जाएगा। और रियर की टायर की साइज़ की बात करें तो इसमें आप लोगों को 130/70/17 यहाँ पर आप लोगों को रियर में टायर की साइज़ मिल जाएगा, जो कि दोनों ही आप लोगों को ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। रियर लुक जो है आप लोग देख ही सकते हैं इसका जो रियर लुक्स है। और रियर में टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट आप लोगों को LED में मिल जाएगा। ऊपर तो ग्रेव हैंडल आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो बाइक है आप लोगों को स्प्लिट सीट में ये जो बाइक है आप लोगों को मिल रहा है, मतलब डबल सीट में ये जो बाइक है आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बाइक है स्प्लिट सीट में आप लोगों को मिल रहा है। अब बात करेंगे डोमिनर 250 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, जो ये जो है आप लोगों को 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा फ्यूल इंजेक्शन के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो टैंक है आप लोगों को ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर आप लोग देख ही पा रहे हैं, इसमें जो है आप लोगों को फुल्ली डिजिटल मीटर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बैटरी का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा दिखने में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंजन स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आप लोगों को 157 mm का यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और इसके क्रेप वेट की बात करें तो इसमें आप लोगों को 180 kg का यहाँ पर आप लोगों को क्रेप वेट मिल जाएगा। और बात करेंगे इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो ये जो है आप लोगों को 180,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस आप लोगों को आ जाएगा। आपके सिटी के हिसाब से कुछ डिफरेंस हो सकता है। और दोस्तों, आप लोगों का सिटी का प्राइस जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को बता दूंगा आप लोगों में इसका सिटी का प्राइस कितना है। और इसके माइलेज के बारे में बात करें तो ये जो है आप लोगों को 35 तक इसमें आप लोगों को माइलेज मिल जाएगा। और दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा सा रिव्यू बजाज की डोमिनर 250 के बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।